हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजब आइडिया। फ्रेंड्स, आज हम आपको अनार इजीली घर पे कैसे छीलते हैं ये बता रहे। इस टेक्निक से आप यदि अनार छीलते हैं तो आपका अनार काफ़ी अच्छे से छिला जाएगा और इसका जूस भी नहीं निकलेगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये अनार लिया हमने और आप जानते होंगे अनार छीलना किसी को पसंद नहीं है, बट ये बहुत स्वादिष्ट होता है तो खाने के लिए हर कोई अनार छीलता है और सबको अनार छीलना काफ़ी डिफिकल्ट वर्किंग लगता है। तो मैं आज आपको अनार इजीली आप घर पे कैसे छील सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। और मैंने छोटा सा नाइफ लिया है और सबसे पहले हम इसका टॉप एरिया कट करेंगे ऊपर से, इस तरह से। इस टेक्निक से यदि आप अनार छीलते हैं तो आपके लिए ये अनार छीलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप चाहे तो हैंड पे ग्लव्स पहन सकते हैं जिससे कि आपके हाथ खराब ना हो, और इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से कट लगाएं। कट अभी कभी भी आप ज्यादा डीपली नहीं लगाएं जिससे कि आपका अनार कट जाए, अंदर जो जूस उसका निकल जाए। आप अपने नाइफ की जो किनोर है उससे ही लगाएं ओनली। इस तरह से आप राउंड राउंड घुमाएं उसे, इसे मिला लें, फिर यहां से वापस इस तरह से करें, इसको वापस इस तरह से करें। इस टेक्निक से आप अनार को बहुत आसानी से छील पाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक नई टेक्निक क्या है, हर कोई अनार छीलते वक्त सिर्फ 4 कट लगाता है, हम इसमें 1 कट लगाएंगे जिससे हमारा अनार और फास्ट छील सकते हैं उसको इस तरह से। ये हमारा अनार हो गया। अब ये वाला जो है इसको हम चाकू की नोक से इस तरह से गोल गोल घुमा लेंगे, इस तरह से निकालिए। हम अब अनार को हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से 1 कट, 2, 3, देखिए 3। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इजीली हो गया। अब इसको हम इसे इजीली निकालेंगे इस तरह से। ये कुछ ही मिनट में हमारा अनार छिल जाएगा, ये देखिए। यदि हमने इसके बड़े बड़े स्लाइस इस तरह से हम इसको फटाफट छीलेंगे, हमारा हो गया। इसको हम साइड रख लेते हैं। देख सकते हैं हमारे सारे जो स्लाइसेस उसमें से इजीली निकल रहा है और कहीं पे भी हमारा ये अनार पस नहीं रहा है कि जिसे हमें निकालने में काफी दिक्कत हो, क्योंकि ये हमने चारों तरफ से इसे खोल लिया था पहले। और यदि हम इसके 4 स्लाइस करते हैं तो इसे हमें खोलने में काफी टाइम लगता है। यदि हम इसके 8 स्लाइस करेंगे तो 1 कट लगाएंगे तो इसे हम और ज्यादा आसानी से निकाल पाएंगे अनार के दानों को। ये देखें इस तरह से, छोटे छोटे स्लाइस करनी है हमें जिससे कि हम अनार और फास्ट और छील सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना बड़ा अनार लिया था जिसके कितने दाने निकल गए हैं, और हमने इस चीज का ध्यान रखा है अनार के टुकड़े ना हो और इसका जूस ना निकले, और बहुत ही क्लीन तरीके से हमने ये अनार छीला है। जबकि आपने देखा होगा कि चम्मच से छीलते हैं या फिर बड़े बड़े टुकड़े करके छीलते हैं तो अनार छीलने में काफी टाइम लगता है। ये देखिए, 1 स्लाइस और बचा है हमारा, हो ही गया है तकरीबन। हमारा हो ही गया है, हम इसे चलिए हम साइड कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा हो गया, फिर हमने स्लाइस निकाल लिया। अब इसे हम एक बार बोलेंगे, ये हमारा अनार आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इजीली कितना अच्छे से निकल गया है, बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं है। और ये हम धोएंगे तो इसके जितने भी टुकड़े हैं वो निकल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इजीली हमारा इतना सारा अनार हमने इजीली छीन लिया है। और आप इस तरह से इजीली अनार छील सकते हैं घर पे आसानी से।
और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इजीली अनार हर कुछ चीज सके। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो। बाय।